हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि हम लोग अगस्त मंथ के टॉप 100 करेंट अफेयर की हम लोग सीरीज़ देख रहे हैं, जिस अभी तक हम लोगों ने 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ से 71 क्वेश्चन करवाऊँगा। इसके पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि विच कॉन्टिनेंट वॉज डिक्लेयर्ड वाइल्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन अगस्त 2020। अगस्त 2020 में स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका। क्लियर। चलो, वॉट इज़ द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर 2020-21 एज पर RBI's एनुअल रिपोर्ट 2019-20। भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं -4.5%। क्लियर। वृद्धि दर है ये हमारी क्या? -4.5%। तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे चलते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज साइंड एग्रीमेंट विद विच इंस्टीट्यूट टू सेट अप द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ स्पेस रिसर्च? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह ऊष्मान केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ। क्लियर। आगे चलते हैं। नेम द स्टेट विच रैंक्ड टॉप इन ओवरऑल रैंकिंग इन एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स EPI 2020 रिलीज्ड बाय नीति आयोग इन पार्टनरशिप विथ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस? क्या हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल गुजरात। कौन सा स्टेट है वो? गुजरात। क्लियर। जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा नीति आयोग के CEO कौन है। ठीक, CEO कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में जारी किए गए एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2020 में समग्र रैंकिंग में शीर्ष पर रहने वाले, मतलब टॉप पर रहने वाले राज्य कौन सा है? गुजरात। आगे चलते हैं। द वुमेन फ्रॉम विच स्टेट हैज़ रैंक्ड टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ लोन बेनिफिशियरीज अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एज ऑन March 31, 2020? क्या हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? तमिलनाडु। क्लियर। कमेंट करके मुझे बताइएगा तमिलनाडु के CM, गवर्नर, कैपिटल, ये तीनों चीज़ आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हु हैज़ बिकम फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक 600 विकेट्स इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन पहले फास्ट बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 600 विकेट इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में लिए हैं, जेम्स एंडरसन। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाटर वीक 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड बिटवीन August 24-28 विद द थीम? थीम क्या थी हमें ये बताना है वर्ल्ड वाटर वीक की, है ना, जो कि कब मनाया गया था? 24 अगस्त से 28 अगस्त तक। तो बिल्कुल इसकी थीम क्या थी? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन, ऑप्शन ए, वाटर एंड क्लाइमेटिक चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ यूनिसेफ टू मैप इंटरनेट कनेक्टिविटी लैंडस्केप फॉर स्कूल इन 35 कंट्रीज ऑफ द एंड ऑफ 2023? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? कौन सी कंपनी है वो? बिल्कुल रिलायंस जियो। क्लियर। सॉरी, क्या हो जाएगा? एरिक्सन, है ना, रिलायंस जियो नहीं, क्या हो जाएगा? एरिक्सन। ठीक, एरिक्सन ने साझेदारी की है। जल्दी से मुझे बताइएगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है?
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा यूनिसेफ का फुल फॉर्म। हु हैज़ बैग्ड द 2020 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द बुक द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग यंगेस्ट ऑथर टू रिसीव द अवार्ड। वो यंगेस्ट ऑथर कौन है बताइएगा। मैं हिंदी में एक बार बोल देता हूँ कि किसने द डिसकम्फर्ट ऑफ इवनिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लेखक पुस्तक के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है बताओ। किन्होंने जीता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैरी के ल्यूकास रिजनेवेल्ड। क्लियर, ऑप्शन सी। द बिजनेस विद द एनुअल टर्नओवर ऑफ अप टू डैश आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम GST अगस्त 2020। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल 40 लाख रुपीस। क्लियर, 40 लाख रुपीस तक के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसाय को GST से छूट दी जाएगी, कितने 40 लाख रुपए वाले। गवर्नमेंट ऑफ आसाम अप्रूव्ड दी आसाम स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल टू सेटअप वर्ल्ड क्लास स्किल यूनिवर्सिटी एज मंगलडोई दारंग डिस्ट्रिक्ट। द यूनिवर्सिटी विल बी फाइनेंस्ड बाई विच बैंक। हमें उस बैंक का नाम बताना है, क्या है, EDB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966। ठीक, हेडक्वार्टर कहाँ है, फिलीपींस में, फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है, हेड कौन है इसके ADB के, बिल्कुल मत्सुगु असाकावा, है ना, असाकावा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द केरलास फर्स्ट। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आसाम का कैपिटल, ठीक है, CM और गवर्नर कौन है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलो, नेम द केरलास फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस विच वॉज इनोग्रेटेड बाई केरला CM पिनरई विजयन रिसेंटली। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, केरल की पहली समुद्री एम्बुलेंस का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल प्रतीक्षा। क्या हो जाएगा, प्रतीक्षा, ऑप्शन बी। जहाँ आपने देखा कि केरला की फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस का हमसे नाम पूछ रहा है, आप देखते से ही आंसर लगा दोगे क्या, प्रतीक्षा। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। शिंजो एबे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट इन अगस्त 2020। शिंजो आबे किस देश के प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल जापान, कैपिटल टोक्यो। क्लियर, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी लोगों को, करेंसी येन। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। हु हैज़ बिकम फर्स्ट प्लेयर टू टेक 500 विकेट्स इन 220। T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, DJ ब्रावो। ठीक है, चलो DJ ब्रावो। विच स्टेट इज गोइंग टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर। कौन सा राज्य भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र शुरू करने जा रहा है। क्या आंसर होगा सर इसका, केरला, है ना, केरला का तो मैं अभी आपसे पूछ चुका हूँ। कैपिटल बताना है, CM बताना है और गवर्नर बताना है कमेंट बॉक्स में। विच कंट्री हैज़ को स्पॉन्सर्ड यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाई इंडोनेशिया फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पीस कीपिंग फोर्सेस। क्या आंसर होगा सर इस क्वेश्चन का, इंडिया, बिल्कुल। किस देश ने इंडोनेशिया में शांति सेना में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया। आंसर क्या है आपका, इंडिया, वेरी नाइस। चलो आगे चलते हैं। फाइंड द बैंक विच इज गोइंग टू रिसीव ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट SCM एक्सीलेंस अवार्ड 2020 फॉर इट्स HR इनिशिएटिव नई दिशा।
उस बैंक का पता, उस बैंक के बारे में बताएं जो अपनी मानव संसाधन पहल नई दिशा के लिए ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्राप्त करने जा रहा है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा अवार्ड? नई दिशा करके है ना, नई दिशा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलो, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वॉरशिप टाइप 054 क्लास फॉर पाकिस्तान आर्मी? किस देश ने पाकिस्तान सेना के लिए युद्ध पोत प्रकार 054 वर्ग के शुभारंभ किया है? तो ये तो कोई भी इसका आंसर दे देगा, सिर्फ एक ही देश ऐसा है, कौन सा? चाइना। चलो, विच इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विथ इसरो डेवलप्ड ए सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर मेकिंग ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर नेम्ड स्पेस ब्रिक ऑन द सर्फेस ऑफ द मून? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसरो के साथ किस संस्थान ने चंद्रमा की सतह पर स्पेस ब्रिक्स नाम की ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल, IIS बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। क्लियर। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विथ NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक टू लॉन्च डिजिटल पेमेंट सर्विस थ्रू UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इन विलेजेस एंड ग्राम पंचायत? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? किस राज्य सरकार ने गांवों और ग्राम पंचायतों में UPI के माध्यम से डिजिटल भुगतान सेवाओं को शुरू करने के लिए NPCI और कैनरा बैंक के साथ समझौता किया है? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। जल्दी से मुझे आंध्र प्रदेश का कैपिटल, CM और गवर्नर बताइएगा। क्लियर, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। पंडित जसराज हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज रिनोन? बताइए, पंडित जसराज जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो एक कौन थे? तो बिल्कुल, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वोकलिस्ट। क्लियर, वोकलिस्ट थे। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेटअप द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA रिसेंटली। द NRA विल बी रजिस्टर्ड अंडर विच एक्ट? कौन से एक्ट के अंडर में NRA जो है वो आता है? क्लियर, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक, नेम द कंट्री विच हैज़ अनवेल्ड द सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल माइटेयर कासिम सुलेमानी? ये तो सभी लोगों को पता होगा, ये नाम से यहाँ पर समझ में आ रहा है, सुलेमानी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईरान, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वॉज अटेंडेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रिसेंटली? हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के स्पीकरों के विश्व सम्मेलन के किस संस्करण में भाग लिया था? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? फिफ्थ, कौन सा एडिशन था वो? फिफ्थ एडिशन। क्लियर, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड 100% प्रपोज्ड एक्विजिशन ऑफ C&S इलेक्ट्रिक लिमिटेड बाय विच कंपनी? क्या होगा सर इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सीमेंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सीमेंस। ठीक है, नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल, क्या है उस टाइटल का नाम? वन अरेंज मर्डर। बताइए इसके ऑथर कौन है? तो बिल्कुल, चेतन भगत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन अरेंज मर्डर के ऑथर कौन है? चेतन भगत। आगे चलते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंदिरा रसोई योजना टू प्रोवाइड मील्स एट ₹8? किस राज्य सरकार ने ₹8 में भोजन उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है? तो बिल्कुल, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना, राजस्थान। कैपिटल बताइएगा कमेंट करके, CM बताइएगा, गवर्नर बताइएगा कमेंट करके। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, चलो चलो ठीक है, CM मैं बता देता हूँ, अशोक गहलोत। ठीक, अब आप ये दो चीज़ बताइएगा, कैपिटल और गवर्नर राजस्थान के। ठीक है, इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है? इंदिरा रसोई योजना स्टार्ट करी है, जिसमें ₹8 में भोजन मिलेगा। क्लियर, इंदिरा रसोई योजना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच इज़ द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, एक क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME?
इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा बताइएगा, 10 करोड़। क्लियर, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट विच इन कोलैबोरेशन विथ ट्रांस यूनियन सिविल लॉन्च्ड फाइनेंशियल नॉलेज प्लेटफॉर्म नेम्ड एमएसएमई सक्षम फॉर एमएसएमईज। उस संस्थान का नाम बताइए जिसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एमएसएमई सक्षम नाम से वित्त ज्ञान मंच लॉन्च किया। क्या हो जाएगा सर इस क्वेश्चन का आंसर, सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ, सिडबी से रिलेटेड, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ, लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में है। ठीक, इस्टेब्लिश कब हुआ था सिडबी, सिडबी इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1990। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड अप स्ट्रीम कैरेज वे ऑफ द महात्मा गांधी ब्रिज इन बिहार रिसेंटली। द महात्मा गांधी ब्रिज वॉज बिल्ट ओवर विच रिवर, कौन से रिवर के ऊपर महात्मा गांधी ब्रिज है बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, गंगा। क्लियर, तो ये थे भैया हमारे अगस्त मंथ के टॉप 100 क्वेश्चन। आपको अगस्त मंथ के जो करेंट अफेयर्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इन्हीं टॉप 100 में से देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्लियर, मैं आप लोग को टोटल अगस्त मंथ के टोटल 100 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। इसकी जो PDF है वो मैं आप लोगों को अभी टेलीग्राम चैनल पर दे दे रहा हूँ। क्लियर, टेलीग्राम चैनल पर, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर, अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, और अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक भी करिएगा। ठीक है, चलो आज के लिए अपन लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।